अखिलेश यादव जी आ गए हैं। अखिलेश यादव जी की बस आ गई है, आप देख सकते हैं बस अखिलेश यादव जी की, और भीड़ उत्साह लोगों का देख सकते हैं कितना है। ये बस है, यहाँ पे देखिए अखिलेश यादव जी बस से सबसे आगे बैठे हुए, अगर आप देख सकते हैं तो इस साइड से। फोन पर बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, जहाँ भीड़ में अरब अपनी धर्मपत्नी यानी डंपल यादव का फोन आया और अखिलेश यादव लगातार फोन पर बात कर रहे हैं और जनता की तरफ देख रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर देखने ही जरूरी है क्योंकि अखिलेश ये हाथ दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे, लोगों की उमड़ी हुई, देख लीजिए आप यहाँ पे कितनी भीड़ है लोगों का अखिलेश यादव जी से। देखिए अखिलेश जी जी आपको आप देख सकते हैं, अखिलेश जी उठे हैं, अब ऊपर आ रहे हैं अखिलेश जी, अपने भीड़ को संबोधित करने के लिए आ गए। देखिए यहाँ पर साइकिल निकल रहा है, सबसे पहले साइकिल का पिक्चर, उसके बाद यह कैमरामैन हमारी तरफ भी पिक ले रहे हैं। देखिए अखिलेश जी आज निकल रहे हैं यहाँ से, देखिए आप देख सकते हैं आप निकल रहे अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव जी गोरखपुर में अखिलेश यादव जी और योगी आदित्यनाथ जी के क्षेत्र में, जो कहलाता है योगी आदित्यनाथ जी का क्षेत्र, और फेंका माला फेंक दिया स्टेज पे, देख सकते कितनी भीड़ है अखिलेश यादव के रैली में, योगी आदित्यनाथ जी के गढ़ में अखिलेश यादव, देख सकते आप ये गोरखपुर है, गोरखपुर सिटी जहां से योगी आदित्यनाथ जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी रिजर्व सीट मानी जाती है, उस बीच में अखिलेश यादव जी, देख लीजिए आप यहाँ पे अखिलेश यादव जी अपने गाड़ी पे गाना जो बज रहा है, उनका जो फेमस गाना है वो बजाया जा रहा है, सारे लोग को आशीर्वाद संबोधित कर रहे हैं, हाथ जोड़ के नमस्कार कर रहे हैं, सारे लोग को नमन कर रहे हैं हाथ जोड़ करके, अपने जाते हुए अपने देख सकते हैं ये लोगों का उत्साह, गोरखपुर में लोगों का कितना उत्साह अखिलेश यादव को लेकर के। योगी जी अगर आप देखें, योगी जी अगर देखेंगे तो समझ में आएगा, चले गए वो अपने लिफ्ट से नीचे, देख सकते आप कितनी भीड़ है यहाँ पर, जगह जगह भीड़ ही आपको दिख रही होगी, ब्लू शुरू से अंत तक जितनी जगह देखिए भीड़ भीड़, जाके अपने सीट पे बैठ गए। इस सीट पे किसी दिन मैंने देखा था इटावा में कि मुलायम सिंह यादव जी बैठे हुए थे, ले लिया उन्होंने आशीर्वाद ले लिया, आप देख सकते हैं हाथ किस तरह से पकड़ा जा रहा है, हाथ ही उनका रख लेंगे, ये लोग इतने चाहने वाले हैं कि जब हाथ मिलाने की कोशिश की तो लगा हाथ ही रख लेंगे उनका। जा रहे हैं अब आगे, कुछ खाते हुए निकल गए आगे, बात करते हुए फोन पे, गोरखपुर योगी आदित्यनाथ जी के गढ़ में अखिलेश का बहुत बड़ा रोड शो, ये इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी कैंडिडेट है और ये रिजर्व सीट मानी जाती है योगी आदित्यनाथ जी की, लेकिन अब देखिए कितनी रिजर्व है और भीड़ कितनी है समाजवादी पार्टी के रैली में, अखिलेश यादव के रैली में भीड़ कितनी है, ये रोड शो था, एक रोड शो में भीड़ कितनी है आप देख सकते हैं। ये गोरखपुर है, गोरखपुर की शाम है योगी आदित्यनाथ जी के गढ़ में, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का हल्ला बोलता ही है, आप समझ सकते हैं इतनी भीड़ को लेकर के। योगी जी भी अगर ये वीडियो देखेंगे तो चौंक जाएंगे क्योंकि हमारे घर में इतनी भीड़ समाजवादी पार्टी की कैसे हो गई, कितने वोटर है समाजवादी पार्टी के, कितने चाहने वाले हैं समाजवादी पार्टी के, हमारे रिजर्व सीट पे आप देख सकते हैं भीड़ कहीं कम होने का नाम नहीं ले रही है, भीड़ पूरी हर जगह फैली हुई है, आप जिधर देखिए वहीं आपको रोड लोग ही लोग नजर आएंगे, चाहे चारों तरफ कहीं भी देख लीजिए, आपको जहाँ तक मेरा कैमरा से दिख रहा होगा केवल भीड़ और भीड़ ही दिख रही होगी आपको, लोगों की समाजवादी पार्टी का झंडा और लोग दिख रहे होंगे आपको। अखिलेश यादव ने क्या संदेश दिया आप लोगों को? संदेश दिए हम लोग जीतेंगे। अच्छा हाँ, यहाँ तो बाबा का गढ़ है, बाबा का गढ़ क्या हुआ, लेकिन हमारी माता जी सुभावती देवी जी जीतेंगी भारी मतों से, अखिलेश भैया की सरकार बनेगी बहुमत से। अभी जो आए थे तो क्या संदेश दिया आपको, क्या मिला? संदेश दिए हैं, जीत के हम लोग दिखाएंगे उनको। अच्छा, अखिलेश भैया ने हम लोगों को संदेश दिया है, हमारे वो साथ हैं,
सुख दुख के साथी हैं और सरकार बनाने जा रहे हैं। बच्चों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा, चिकित्सा मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी और ये जन सैलाब जो उभरा है ये हमारे नेता के कार्यों के और आज प्यार और सम्मान में उभरा है। तो योगी जी काफी टाइम यहाँ के नेता रहे, उन्होंने कुछ किया नहीं आप लोगों के? योगी जी ने सिर्फ क्या किया है, लोगों को छला है और अपने मंदिरों को चमकाया है, इसके अलावा योगी जी ने कुछ नहीं किया है। विकास के नाम पर उनको जीरो मिलना चाहिए। वो तो बोलते हैं कि नंबर वन प्रदेश है, विकास बहुत किया है। क्या हुआ है इस बताइए, क्या हुआ, क्या नंबर वन पे? अभी बाढ़ में देखिएगा, पूरे कॉलोनी पूरे मोहल्ला डूबा रहता है, नाव चलती है, क्या विकास हुआ है? रोड पे विकास हुआ है, रोड का विकास, उनके चलने का विकास हुआ है, जो वहाँ जो चलते हैं जहाँ पे वो वहाँ पर विकास किए हैं। आपके एरिया में नहीं किया? नहीं किए हैं। तो अखिलेश से क्या उम्मीद है, क्या कर देंगे वो आपके? सब कुछ करेंगे वो हम। रोजगार की बात करते हैं, रोजगार नहीं मिला? अखिलेश यादव जी जो है विकास पुरुष है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे माननीय योगी जी का घर है, उसके पीछे आप चले जाएं, इस बरसात में जो है नाव चली है, नाव। अखिलेश की सरकार आने पे कोई जातिवाद नहीं, यहाँ सिर्फ हिंदू मुस्लिम होता है, कोई विकास की बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम। आपको क्या लगता है विकास हुआ है योगी जी के आने से? झूठ बोलने का विकास किए हैं ये लोग, सिर्फ झूठ बोले हैं, लोगों के आंख में धूल झोंक दिए। कौन, अखिलेश जी? योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी योगी के नाम पे ही झूठा बोल देते हैं, उनको योगी कहने में भी लोगों को शर्म आने लगा है। आप ये मत भूलिए गोरखपुर में आप, कोई दिक्कत नहीं है, गोरखपुर में हम बचपन से रह रहे हैं। अच्छा, ये हमारे बाप दादा की संपत्ति है, वो तो आए उत्तराखंड से, हम लोग गोरखपुर के निवासी है। अखिलेश से क्या उम्मीद? रोजगार, विकास, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, ये सब योगी जी ने नहीं दिया? नहीं दिया। नाम बदल रहे हैं, 100 नंबर को 102 कर रहे हैं, 108 को बदल रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग को। जब यहाँ लॉकडाउन था तो हमारे मुख्यमंत्री जी बंगाल और बिहार में जाकर प्रचार कर रहे थे, इनको अपने वहाँ व्यवस्था देखनी चाहिए था, ऑक्सीजन नहीं था, लोग तड़प रहे थे घर के पड़ोस। आप यहाँ आएंगे बरसात के समय में, 5 साल हो गया, इनके आस पास घूम जाइएगा तो कमर तक पानी मिलेगी आपको। पानी की समस्या बहुत ज्यादा समस्या है, पूरे गोरखपुर पानी की बहुत समस्या है, पानी की समस्या, पानी। अरे नाव चलानी पड़ी थी, नाव चली थी, तो इसका निदान नहीं किया? नहीं, कोई निदान नहीं, तो खुद गोरखपुर से है, निदान करना। अगर निदान किया होता तो आपको हमको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, उस टॉपिक पे बोलते ही नहीं। ये परिवर्तन की लहर देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं, भाईचारों को तोड़ रहे हैं, कभी बात करते ही नहीं भाईचारा का, कि खुल के भाईचारे की बात करें, सारे समाज को लेकर एक साथ एक मंच पे बोले। इन्होंने छात्रों पे लाठी चार्ज कराया, नौकरी के नाम पे कमरे में घुस घुस के मरवाया लोगों को, ये सब मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। हम अंग्रेज शासन में नहीं जी रहे हैं, हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, लोकतंत्र में। हमारी मांगे अगर हम सरकार से नहीं मांगे, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं ना है, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, आज उन्होंने लाठी चार्ज करवा रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, सतीश द्विवेदी शिक्षा मंत्री भरे विधानसभा में बोले कि घोटाला नहीं हुआ, उसके बाद लोग बोले कि 18,000 घोटाला हुआ, 6,000 फिर से नियुक्ति की गई, अभी वो रोक दी गई हाईकोर्ट के द्वारा, ठीक है।